पुलिस ने कार्यवाही करते हुए शहर में फर्जी नोट छापने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। इनके पास से पुलिस ने 1.5 लाख से ऊपर के नकली नोट बरामद किए हैं। पुलिस ने गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नकली नोट छापने वाले गिरोह पिछले 1.5 साल में इंदौर में लगभग 30 लाख रुपए नकली नोट खपा चुकी है। अन्नपूर्णा पुलिस की यह बड़ी सफलता हाथ लगी है कि गिरोह का मुख्य सरगना सरकारी रिकॉर्ड में मृत है। मास्टरमाइंड राजेश ने नकली नोट छापने के पहले खुद को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित किया और बाद में अशोक चौहान बनकर नकली नोट के गोरख धंधा का सरगना बन गया। पुलिस की जाँच में गिरोह का अन्य देशों के साथ संपर्क मिलने के बाद संवेदनशील मामले को देखते हुए इंदौर पुलिस गंभीरता से मामले की जांच कर रही है। मामला भारतीय मुद्रा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इंदौर पुलिस केंद्रीय जांच एजेंसियों NIA, ATS और IB के साथ जानकारी साझा कर जांच करने की बात कर रही है। पूर्णा थाना क्षेत्र में कल दिनांक को FICN की कार्रवाई की गई थी, जिसमें लगभग 1,60,000 के नोट जब्त किए गए थे। इसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन 5 आरोपियों के पास से जो फ़ोन बरामद किए गए हैं और इनके पास से कुछ 7 से 8 मोबाइल नंबर्स बरामद किए गए हैं जो कि संदिग्ध पाए गए हैं, उन सभी की जानकारी निकाली जा रही है। जितने भी पासबुक, जितने भी बैंक की चेक्स मिले, उन सभी बैंक अकाउंट की जानकारी निकाली जा रही है और इस संबंध में जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा है ताकि इसमें जल्दी से जल्द जाँच की जा सके। अभी तक की जानकारी के अनुसार ये चीज़ सामने आई है कि सारे एक दूसरे से पहले से परिचित हैं और आगे लगातार इसमें जांच की जा रही है। जैसे जैसे जानकारियां आती जाएंगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के मल्हारगंज थाने में पदस्थ 2 पुलिस कर्मियों पर 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में DCP आदित्य मिश्रा ने दोनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और मामले की जाँच एडिशनल DCP को सौंप कर 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है। दरअसल सोशल मीडिया पर पिछले दिनों 2 पुलिस कर्मियों का रिश्वत लेते CCTV वीडियो वायरल हो गया था, जहां दोनों पुलिस कर्मी अनिल चतुर्वेदी और राघवेंद्र भदौरिया मल्हारगंज थाने में पदस्थ है। वायरल वीडियो में पुलिस वाले बीच रास्ते में गाड़ी रोककर डिग्गी में कुछ रखते हुए नजर आ रहे थे, जहाँ फरियादी द्वारा 2.5 लाख की रिश्वत पुलिस कमिश्नर को शिकायत की गई थी। भांग तस्करी मामले में पुलिस कर्मी आरोपियों को छोड़ने के लिए 50,000 रुपए की मांग कर रहे थे और 2.5 लाख रुपए इन्होंने ले लिए थे, जिसका CCTV फुटेज भी पुलिस को दिए गए थे। फिलहाल DCP ने पुलिस कर्मियों की गतिविधि को संदिग्ध मानकर दोनों को सस्पेंड कर दिया है। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस में 2 लोगों के द्वारा शिकायत की गई थी कि मल्हारगंज थाना क्षेत्र में पिछले महीने 6 तारीख को एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें अवैध रूप से जो भांग है बड़ी उसमें तस्करी की जा रही थी। उसके संबंध में विवेचक और उनके साथ जो थाने में उपस्थित थे प्रधान आरक्षक, उनके द्वारा कुछ पैसे को लेन देन के संबंध में उन्हें शिकायत की थी और उन्हीं के साथ साथ एक पेनड्राइव में वीडियो भी उपलब्ध कराया था, जिसमें उनके कहे अनुसार उसमें एक संदिग्ध आचरण दिख रहा है प्रधान आरक्षक का, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से थाना मल्हारगंज में पदस्थ हैं और इनके वहाँ रहते हुए एक इम्पार्शियल जांच होने में दुविधा हो सकती थी। इसलिए इन दोनों को अभी सस्पेंड करके लाइन अटैच किया गया है और पूरी जांच जो है एडिशनल DCP Zone 1 उनको दी गई है और उनसे भी उनको बताया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर इसकी जो भी जाँच आती है, इसमें जो भी साक्ष्य आते हैं उसको एकत्रित करके प्राथमिक जाँच करके वो कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे, उसके बाद फिर उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने शहर के पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर पुलिस पर कथा के लिए अनुमति न देने पर बड़ा आरोप लगाया है। संजय शुक्ला ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा आयोजित करवाई जा रही कथा के लिए वे कई दिनों से अधिकारियों से अनुमति मांग रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें कथा कराने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद वो पुलिस आयुक्त से मिलने पहुंचे। हालांकि पुलिस आयुक्त के ना मिलने पर उन्होंने फोन पर आयुक्त से चर्चा की, लेकिन इस मामले पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में आदर्श आचार संहिता लागू होना है, जिसके चलते अनुमति निर्वाचन विभाग के तहत दी जाएगी, इसलिए विधायक को आचार संहिता के नियमों के तहत अनुमति लेना होगी। संजय शुक्ला ने कैलाश विजयवर्गीय पर आरोप लगाया कि वहां उनके द्वारा धार्मिक आयोजन नहीं होना देना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इंदौर में इतनी बड़ी कथावाचक जया किशोरी जी कथा होने जा रही है और विधानसभा 1 के जो हमारे BJP से कैंडिडेट हैं आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, ये उनके द्वारा कथा रुकवाई जा रही है कि विधानसभा 1 के अंदर धर्म के प्रोग्राम नहीं हो। उसके लिए उन्हें लगातार यहाँ से मतलब कमिश्नर साहब को, कलेक्टर साहब, प्रशासन को, हर किसी को रोका गया है और उस रोकने के लिए आज हमको खुद को यहाँ आना पड़ा। इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के जो विधायक जी हैं, वो आज उनके द्वारा एक संभवतः 10 से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में एक कथा का आयोजन किया जा रहा है। उस कार्यक्रम के संबंध में उनको जो परमिशन्स चाहिए थी नियमानुसार, उसके लिए वो आए थे
उनको भी बताया गया कि उस समय संभवतः क्योंकि आचार संहिता लागू रहेगी तो इसमें जो सारी परमिशंस होती हैं इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर रहता है, वो नोडल एजेंसी रहता है और इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस के अनुसार उन्हीं को इन सभी चीज़ों की परमिशन देने की पात्रता रहती है और पावर रहती है। बुरहानपुर जिले के ग्रामवासियों को देश की आजादी के इतने सालों बाद भी मूलभूत सुविधा के लिए तरसना पड़ रहा है। खराब सड़कें होने के कारण लोगों को अस्पताल स्कूल जाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खकनार ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत नानखेड़ा के जयराम टांडा के ग्रामीणों का कहना है कि हमारा मुख्य मार्ग मार्केट जाने का यही एकमात्र रास्ता है। जो कुछ भी कार्य के लिए मार्केट जाना पड़ता है तो यहीं से आना जाना करना पड़ता है, तो आने जाने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं जहाँ से पैदल निकलना भी मुश्किल होता है। ऐसे में जयराम टांडा में पानी की भी बहुत समस्या है और बच्चों को पढ़ाई करवाने में भी आने जाने में बहुत परेशानी होती है, इसलिए बच्चे भी पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। इसी संबंध में ग्राम पंचायत नानखेड़ा के ग्राम सभा में सरपंच सचिव से रास्ते की मरम्मत या रोड के निर्माण को लेकर आवेदन भी दिया गया है। इसी संबंध में सबसे पहले जिम्मेदार अफसरों का ध्यान नहीं गया था, ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन दिया गया है। ये नहीं है बैलगाड़ी क्या निकलेगी, पैदल निकलने का लिए रास्ता नहीं है। अच्छा, ये हमारी मांग है, हमारा ये रास्ता हमारे को चाहिए। अच्छा, फिर स्कूल के बच्चे हैं, टपरी हमारी कम से कम 20-30-35 टपरी है। अच्छा, उसके इतने बच्चे हैं, 40-50 बच्चे हैं, तो वो बच्चे की बहुत परेशानी हो रही है आने जाने के लिए, स्कूल के लिए बीमार है, सीमार है, वहाँ कोई जा नहीं पाते हम, देर रात है, एम्बुलेंस भी नहीं आती, क्या पैदल नहीं आते, एम्बुलेंस क्या आएंगे? तो हमारे को ये सुविधा चाहिए, नदियाँ है दो तीन, तीन चार नदियाँ है, खुलिया की व्यवस्था करें, फिर हमारी बीमारी है, हम बहुत परेशानी में है। और दूसरी बात, अभी ये नाले खुले आए, हमारे बेल भी बह गए, क्या हमारी सोयाबीन निकल रहे, अभी हमारी परेशानी, सब किसानों की परेशानी, हमारी परेशानी, टपरियों की परेशानी, बच्चों की परेशानी, हमारे को ये सुविधा चाहिए। ग्रामीण जीवन जयराम फालिया के निवासी है और उनके यहाँ ग्रेवल रोड में आने जाने की बहुत परेशानी है। अच्छा अच्छा, तो इनके पक्का रोड बनाने के लिए तो इन्होंने आवेदन दिया है। अच्छा, तो पक्का रोड बन जाएगा तो हमें आने जाने की समस्या का निराकरण हो पाएगा। और भी क्या क्या समस्या आ रही है उसमें? और उन्होंने यहाँ आंगनवाड़ी भवन के निर्माण के लिए है। अच्छा, और जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ उसको भी, प्राइमरी स्कूल में पानी की समस्या है, इस संबंध में भी आवेदन दिया है। जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के आने वाले नवरात्रि पर्व को लेकर एसपी ऑफिस में पहुंचकर जबलपुर एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा है। जहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना था कि नवरात्रि पर्व के दौरान जिस प्रकार से विभिन्न समितियों के द्वारा गरबा महोत्सव का आयोजन किया जाता है और गरबा महोत्सव में समुदाय विशेष द्वारा अपना नाम छुपाकर शामिल होते हैं, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा जबलपुर एसपी से मांग की गई है कि गरबा महोत्सव समिति द्वारा महोत्सव के दौरान शामिल होने वाले प्रतिभागियों का परिचय पत्र बनाया जाए और उनकी पहचान उनके आधार कार्ड और उनके अन्य दस्तावेज से की जाए, जिससे कि गरबा महोत्सव में धार्मिक सौहार्द न बिगड़े। और वहीं पूरे मामले में सीएसपी प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का ज्ञापन लिया गया है और नवरात्रि पर्व को लेकर पुलिस के द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही है। 15 अक्टूबर को हमारे नौ दुर्गे शुरू होने जा रहे हैं और माँ शक्ति की आराधना पूरा हिंदू समाज करता है और इसी आराधना के करने के लिए हमारे कई गरबा आयोजक हैं जो गरबा का आयोजन करते हैं, तो गरबा आयोजक समिति से अनुरोध करने आए प्रशासन के माध्यम से, बिना आईडी किसी को एंट्री न दी जाए, गैर हिंदू उसमें प्रवेश न करे, गैर हिंदू इस गरबा के आयोजन को आयोजित न करे, यह बजरंग दल के द्वारा प्रशासन को निवेदन करने आए थे। और आने वाले नवरात्रि पर्व पे गरबा महोत्सव के आयोजन के लिए उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है, उन्होंने कहा कि इसमें अनुशासनात्मक ढंग से व्यवस्था की जाए और यह डिसाइड किया जाए कि जो पासधारी है और जिनकी आइडेंटिटी उनकी चेक की जाए उन्हीं को अनुमति दी जाए।